हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोपेल गुरु। आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो में जाना कि एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का बेसिक ओवरव्यू किस प्रकार का होता है और एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, और आप सभी ने उसमें यह भी जाना कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और आप जो भी कुछ एडिट करते हैं उसके लिए आपको टाइमलाइन का यूज करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइमलाइन किस तरह से काम करती है, टाइमलाइन के अलग अलग ट्रैक्स के क्या मायने होते हैं, और टाइमलाइंस में और ट्रैक्स किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं बेसिकली, और टाइमलाइन पर क्लिपिंग्स को रखने के बाद में आप ट्रैक्स को स्प्लिट कट करने के लिए और ओवरलैप करने के लिए, ऑडियो फाइल्स को ट्रिम करने के लिए, ऑडियो फाइल्स की वेवफॉर्म्स देखने के लिए आप किस किस कमांड्स का यूज कर सकते हैं। और ये वीडियो हमारा कुछ लंबा होने जा रहा है, तो इसलिए हम इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट आज लेके आए हैं और कुछ ही दिन के बाद आपको इसका पार्ट टू भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइमलाइन बेसिक्स के पार्ट वन को। ये वही सॉफ्टवेयर है जिसका ओवरव्यू मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। सॉफ्टवेयर का नाम है कैनोपस एडियस, जो यहां आपको शो कर रहा होगा। तो आज हम जानेंगे कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन का क्या रोल होता है और टाइमलाइन के कुछ बेसिक रूल्स क्या हैं। ये सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है ये टाइमलाइन है। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि ये वीडियो भी आपके काम आएगा किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने में, क्योंकि बेसिक ओवरव्यू की तरह ही टाइमलाइन बेसिक्स भी एडिटिंग में सेम ही रहेंगे। तो टाइमलाइन पर सबसे पहले आपको ये जो लाइन नजर आ रही है इसको कहा जाता है कर्सर। ये है टाइमलाइन कर्सर, और यहां पर आपको जो देख रहे हैं 2V, 1VA, 1T, 1A, 2A, 3A एंड 4A, ये सभी हैं टाइमलाइन ट्रैक्स। इन ट्रैक्स का यूज आप करेंगे अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग वीडियोज, ऑडियोज और स्टिल फाइल्स को प्लेस करने के लिए। ये ट्रैक्स किस तरह से काम करते हैं ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो ट्रैक्स का अगर मैं मतलब समझाने का आपको प्रयास करूं तो ये जो आप वी लिखा देख रहे हैं, वी डिफाइन करता है वीडियो को, ए डिफाइन करता है ऑडियो को और टी डिफाइन करता है टाइटल को। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी क्लिप को आप ड्रैग करेंगे ऐसे ट्रैक पर जिस ट्रैक का एक्सटेंशन सिर्फ वी है, तो उस ट्रैक का ऑडियो आपको सुनाई नहीं देगा, सिर्फ उसका वीडियो आपको नजर आएगा। अगर उस क्लिप में पहले से ऑडियो है तब भी आपको ऑडियो उसका सुनाई नहीं देगा। अगर उस क्लिप को आप किसी ऐसे ट्रैक पर ड्रैग करेंगे जिसका एक्सटेंशन सिर्फ वी हो, यह है वी ए। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, वी ए मीन्स वीडियो ऑडियो। तो इस ट्रैक पर अगर किसी क्लिप को आप ड्रैग करेंगे तो उसका वीडियो नजर भी आएगा और ऑडियो आपको सुनाई भी देगा। इसके नीचे है टाइटल ट्रैक। टाइटल ट्रैक बेसिकली स्टिल इमेजेस को प्लेस करने के लिए आपके काम आएगा। तो इस ट्रैक के ऊपर आप स्टिल इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं या फिर आप क्रेडिट रोल और टाइटल्स आदि भी इस पे बना सकते हैं। फिर है ऑडियो ट्रैक्स 1A, 2A, 3A एंड 4A। ये सारे ट्रैक्स वो हैं जो कि डिफाइन करते हैं सिर्फ ऑडियो पार्ट को। मेरे कहने का मतलब है कि इस ट्रैक पर अगर किसी क्लिप को आप ड्रैग करेंगे और भले ही वो वीडियो क्लिप हो, लेकिन उस क्लिप का सिर्फ और सिर्फ ऑडियो आपको सुनाई देगा, उसका वीडियो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो चलिए सभी ट्रैक्स के एक कुछ छोटे एग्जाम्पल्स करके हम ट्राई करते हैं। बिन में जा करके कोई भी फाइल इम्पोर्ट कर लेंगे। हमने एक फाइल को यहाँ ड्रैग कर लिया है। अब इस फाइल को हम रखते हैं वी ट्रैक के ऊपर। तो वी ट्रैक पर जैसे ही आपने फाइल को उठाकर रखा, इसका सिर्फ वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसका ऑडियो अभी आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि ये क्लिप रखी हुई है वीडियो ट्रैक के ऊपर। इसको यहाँ से करते हैं डिलीट, जिस पर आप सिंपली क्लिक करके और डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। अब इसी क्लिप को मैं रखूंगा वीडियो प्लस ऑडियो ट्रैक पर, और यहां से इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को हम एक्सपेंड कर लेंगे।
तो देखिए अप्रत्याशित बदलाव की शुरुआत। इसको जब मैं प्ले करूंगा और इन सब से तो आपका क्लिप का ऑडियो भी यहां पर आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये क्लिप रखी हुई है वीडियो प्लस ऑडियो ट्रैक के ऊपर। और ऑडियो को डिफाइन करती है वेवफॉर्म। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जब इस क्लिप को हमने ऊपर रखा था इस ट्रैक के ऊपर, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूं, तो देखिए इसको मैंने यहां रखा। अगर मैं इसका ड्रॉप डाउन यहां से ओपन करूंगा तो आपको इसके जैसा यहां पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसमें जो आपको ग्रीन वाला पार्ट यहां पे नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है वेव फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ऑडियो वेव फॉर्म। ऑडियो वेव फॉर्म आपको डिफाइन करती है कि इस क्लिप के अंदर ऑडियो मौजूद है, और ऑडियो वेव फॉर्म को देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस क्लिप में किस जगह ऑडियो का लेवल कम आ रहा है, किस जगह ज्यादा आ रहा है, या किस जगह ऑडियो बिल्कुल नहीं है। और ये ऑडियो के चैनल जो आपको दिख रहे हैं, यहां पर आपको दिख रहा है वेवफॉर्म, और सेम टू सेम ऐसा ही वेवफॉर्म आपको इसके जस्ट नीचे यहां पर भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस क्लिप के अंदर स्टीरियो वेवफॉर्म है, स्टीरियो ऑडियो है। तो ये ऊपर वाला है लेफ्ट चैनल, नीचे वाला है राइट चैनल। तो अगर आपको दो तरह के इस तरह के चैनल की वेवफॉर्म अगर दिख रही है, तो आप खुद से जान सकते हैं कि इस क्लिप के अंदर स्टीरियो ऑडियो है, मींस लेफ्ट और राइट में अलग अलग चैनल में अलग अलग आवाज आएगी। तो इसको आप चाहें तो ऑडियो को मोनो भी कर सकते हैं। उसका करने का तरीका है, इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, यहां जाएंगे प्रॉपर्टीज पैनल में, ऑडियो टैब में जाएंगे, और ऑडियो टैब में जाकर के इस समय सिलेक्ट है स्टीरियो, और यहां पर आप जब क्लिक कर देंगे मोनो चैनल वन पे और इसको अप्लाई कर देंगे, तो आप वेवफॉर्म देखेंगे ऑडियो की, जो वो सिंगल बन गई है। जो वेवफॉर्म आपको पहले लेफ्ट की अलग दिख रही थी, राइट की अलग दिख रही थी, वो वेवफॉर्म अब कॉमन हो गई है। तो ये फर्क है स्टीरियो और मोनो के अंदर। हाँ, तो वापस आते हैं टाइमलाइन बेसिक रूल पर। तो इस तरह से जब इस क्लिप को हमने यहां रखा तो इसका ऑडियो और वीडियो आपको दोनों दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। अब इसको करते हैं डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट, और इस सेम क्लिप को हम ट्रैक करते हैं ऑडियो ट्रैक के ऊपर। तो ऑडियो ट्रैक पर जैसे ही हमने क्लिप को ट्रैक किया, अब देखिए इसका वीडियो आना बंद हो गया। अब इसका कोई वीडियो आपको यहां पर शो नहीं करेगा जबकि ये वीडियो क्लिप है, लेकिन इसका ऑडियो आपको सुनाई देगा और इसकी वेवफॉर्म भी ऑडियो की आपको दिखाई देगी। वेवफॉर्म देखने के लिए आप यहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये था अलग अलग ट्रैक्स का अलग अलग मीनिंग। अब इसमें अगर आप चाहें कि आपको 2V के ऊपर एक ट्रैक और चाहिए, दो ट्रैक और चाहिए, तो उसके लिए आप सिंपल यहां पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और ऐड ट्रैक फ्रंट कर देंगे, वीडियो या वीडियो प्लस ऑडियो जो भी आपको ट्रैक चाहिए उसको सेलेक्ट करके यहां से आप क्लिक कर देंगे ओके पर। तो जैसे आपके पास 2V था, वैसे ही आपके पास 3V ट्रैक भी आ गया है, इसी के ऊपर एक ट्रैक आपको और मिल गया है। अब ये ट्रैक की संख्या ज्यादा होने के क्या मायने हैं वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिएगा इस क्लिप को आपने ड्रैग किया यहां पर, अब किसी जगह पर आपको पर्टिकुलर इस क्लिप का ऑडियो काम में लेना है और वीडियो आपको काम लेना है किसी और का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम सिंपली कोई सैंपल के लिए वीडियो अभी निकाल लेते हैं। इसको हम ड्रैग करेंगे इसके ऊपर यहां पर, आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है इस क्लिप का, लेकिन वीडियो दिखाई दे रहा है जो हमने वो भी उठाकर रखा है उसका। इसका सीधा मतलब यह है कि टाइमलाइन के बेसिक रूल में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि आप जिस क्लिप को टाइमलाइन में ऊपर की ओर रखेंगे वो चीज़ आपको पहले दिखाई देगी। जबकि देखिए वीडियो इस वाले ट्रैक पर भी है, यहाँ भी हमने जो क्लिप रखी है उसमें वीडियो और ऑडियो दोनों मौजूद हैं, ये देखिए, लेकिन फिर भी आप अगर अपने कर्सर को यहां पर ले जाएंगे तो आपको वीडियो वो दिखाई देगा जो कि हमने अभी इसके जस्ट ऊपर रखा है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपको टाइमलाइन पे वही चीज नजर आएगी जो कि ऊपर की ओर रखी होगी। अगर आप इसके ऊपर कुछ और पार्ट रख देंगे इस तरह से, तो आपको वो वाला पार्ट नजर आने लग जाएगा, ये वाला भी देखना बंद हो जाएगा।
अब इसको मैं जैसे ही डिलीट करूंगा वैसे ही आपको जस्ट इसके नीचे का पार्ट वापस शो ऑफ होने लग जाएगा। तो दोस्तों टाइमलाइन के बेसिक रूल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी टॉपिक पर हम एक पार्ट 2 भी बनाएंगे जो कि आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रोपेल गुरु को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।